आता बोलूया पुढच्या बातमीकडे. नुकतंच पुण्यात महाटेकचं आयोजन करण्यात आलं. 3 दिवस चालणाऱ्या महोत्सवाचं यंदा 17वं पर्व साजरं करण्यात आलं असून ज्याला उद्योग जगतातील अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. या महोत्सवाला विविध उद्योगांची माहिती तसेच विक्रेता विकास मेळावा, लघु उद्योगांना अर्थसहाय्य अशा अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. या प्रदर्शनात 300 पेक्षा जास्त कंपन्या सहभागी झाल्या असून भारत आणि भारताबाहेरील जवळपास 40,000 ते 50,000 अधिक उद्योजकांनी भेट दिली आहे. कार्यक्रमाचं उद्घाटन प्रदीप भार्गव अध्यक्ष मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चर यांच्या हस्ते पार पडलं. यावेळी प्रमुख पाहुणे मराठे इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक वसंतराव मराठे, फ्युएल इन्स्ट्रुमेंट्स इंजिनियर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ अमोद कुलकर्णी, स्कूल ऑफ इन्स्पिरेशनल लीडरशिपचे सीईओ वीरेंद्र सिंग राठोड उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मराठे इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक विनय मराठे म्हणाले की महाटेकनं अनेक वर्षांपासून पुण्यातील उत्पादनाच्या क्षेत्रात आपला एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रमुख कंपन्या महाटेक प्रदर्शनात सहभागी झाल्यात. या महोत्सवादरम्यान विक्रेत्यांसाठी अनेक प्रकारच्या मीट्स, डिजिटल मार्केटिंग विषयी सखोल ज्ञान अशा अनेक उद्योग विषयी बाबींची माहिती उद्योग व्यवसायात सक्रिय असणाऱ्या लोकांना मिळणार आहे. थिंक वी आर विलिंग टू बी अ पार्टनर व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द पीपल ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट इनपुट वी नीड. वी सेड आई एम द यूजर, प्लीज ब्रिंग द राइट प्रोडक्ट. हाउ कैन सरकार, यू थिंक सरकार कैन हेल्प एन आईटीआई? कम ऑन, वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी हैव टू हेल्प द आईटीआई. या महोत्सवादरम्यान प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या प्रदीप भार्गव यांनी एमकेएनशी खास बातचीत केली. त्यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर सुद्धा त्यांनी आपलं मत मांडलंय. बघूयात काय म्हटले त्यांनी. महाटेक अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक पद्धति जो चली आ रही है. कई लोग शुरू करते हैं पर जिस टेनेसिटी से, जिस लगन से, जिस जोश से ये प्रोग्राम चलता रहे बहुत सराहनीय है. क्योंकि इंडस्ट्री में आप एक चीज़ होने लग गई है, धीरे धीरे सब चीज़ नेट पे होती है. लोग आपस में मिलना कम करते हैं, नेट पे मिलते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया. पर जो जो फीलिंग आपस में मिलके एक दूसरे के समझ के देख के जो बनती है वो अलग ही एक उसका महत्व है. महाटेक का बहुत बड़ा योगदान है. मैं कई सालों से इसको देखता आ रहा हूँ और एक ये अच्छा खासा मिलन है. एक बहुत बड़ा मंगल कार्यालय है जहाँ सब पक्ष के लोग आके आपस में एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं. बहुत सराहनीय है, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. और पुणे एक इतना सुंदर हब है, वहाँ पे इन्होंने किया बड़ौदा के बाद, तो बहुत खुशी की बात है कि पुणे में कार्य कर रहे हैं. गुड विशेज टू देम. एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ चैनल की तरफ से कि ये जो बजट आया था अभी, और बजट इंडस्ट्री और इसकी तरफ जो क्या क्या कैसे देखते हैं बजट को हमारी इंडस्ट्री? मैं घबरा रहा था अब ये प्रश्न जरूर पूछेंगे. और इसका जवाब देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि बजट में दो चीज़ें आती हैं. एक होती है गवर्नेंस और एक होते हैं आंकड़ा कि क्या रेवन्यू है, क्या टैक्स है. वो हर साल बदलता रहता है, वो कॉन्स्टेंट है. और दूसरी चीज़ है गवर्नेंस की सरकार इस इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे गवर्न करेगी. मेरी समझ में गवर्नेंस के ऊपर बहुत महत्व देना चाहिए कि किस तरह उन्होंने जैसे बोला टैक्स चार्टर होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटाइजेशन होगा. मेरी समझ में वो बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसमें बहुत स्टेप लिया गया है. अब मैं और आप हमेशा झगड़ सकते हैं कि उसको टैक्स कम करना चाहिए था या बढ़ाना चाहिए था, उसमें ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, उसके बारे में विचार सकते हैं. और मेरा ये भी मानना है कि हम बजट एक इशू, एक चीज़ हो गई. बहुत कुछ हमें करना है. इंडस्ट्री हर चीज़ सोचे कि सरकार ही करेगी तो ये भी गलत है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रोल दैट वी कैन प्ले, वी शुड प्ले विद इन द फ्रेमवर्क. सो बजट के ऊपर चर्चा बहुत लंबी हो जाती है. एक पूरा जनवरी चला जाता है बजट के बारे में सोचने के लिए, पूरा फरवरी चला जाता है बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए. इस सभी जगह अगर हम अपने अपने जिम्मेदारी निभाएं तो ज़्यादा अच्छा है. या औद्योगिक प्रदर्शन विवेकी लक्ष्य प्रेक्षकांना आपल्या उत्पादनांचा प्रसार करण्यासाठी एक प्रमुख माध्यम.